बरसात का मौसम पूरे जोर से बरस रहा है, जिससे मंडी जिला में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर ने जिला वासियों से जिला में हो रही भारी बारिश को देखते हुए आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। इस बार बरसात का मौसम पूरी जोर से बरस रहा है। पिछले दिनों से हर रोज जिला में बारिश हो रही है, वही बारिश के कारण जिला में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर ने जिला वासियों से अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन पूरी लगन व मेहनत से बरसात से निपटने के लिए जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण मंडी जिला में कई मुख्य मार्ग व संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें सुचारू रखने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने आम जनता से बरसात के इस मौसम में पूरी तरह से सतर्क रहने की अपील की है। बरसात के मौसम में जब भी भारी बारिश हो रही है, उसे कई जगह पर नुकसान हो रहे हैं। काफ़ी जगह पर इस तरह से पानी भी बहुत ज़्यादा आकर घरों में भी घुसा है, और कुछ जगह पर लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो रहे हैं। जो हमारा नेशनल हाईवे है मंडी कुल्लू, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स की वजह से आज सुबह से वो बंद है और जगह जगह पर उसमें लैंडस्लाइड जारी है। सभी जगह पर जो हमारी तैयारी थी बरसात को लेकर, उसमें JCBs वगैरह तैनात की गई है। जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, वहाँ पर उनकी लेबर और JCB पहले ही तैनात है। तो जो जहाँ पर भी हमारे लोग तैनात है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इमीडिएटली रिस्टोर करने के लिए। और डिपेंडिंग कि किस तरह के लैंडस्लाइड है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उस तरह से समय ज़्यादा लग रहा है, पर हमारे लोग तैनात हैं, पूरी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉयड है, और जो बेस्ट जितनी जल्दी हो सके उतना हमारा प्रयास है। उस जगह पर ये भी रिपोर्ट आई है कि कटोला साइड पे जो कटोला रोड था, वहाँ पर बिजली के भी जो डैमेज हुआ है, उस वजह से कुछ जगह पर बिजली की भी आपूर्ति ठप है, उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। सुबह सुबह से हमारे सभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेस्ट हो सके उसी इमीजिएटली उसको रिस्टोर करेंगे।